एग्नी राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं ब्रेक के बारे में। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा, सर जी बाइक तो चला लेते हैं लेकिन ब्रेक कैसे करना है, कौन सा ब्रेक कब इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए मुझे खुशी हो रही है। बाइक को तीन प्रकार के ब्रेक होते हैं, बहुत से जनों को दो ही ब्रेक पता है, फ्रंट व्हील का ब्रेक और रियर ब्रेक, यानी आगे का व्हील का, आगे के चक का ब्रेक और पीछे के व्हील का ब्रेक, ये दो ही प्रकार। लेकिन इंजन ब्रेक भी होता है, तो इसका सही इस्तेमाल हमें कब करना है, कहां पर करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है बाइक स्पीड में जब जाती है तो उस समय कौन सा ब्रेक कैसे इस्तेमाल करना है, अगर स्लो बाइक चलाते हैं तो उस समय कौन सा ब्रेक कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम लोगों को अलग अलग रास्ते पर गुजरना पड़ता है, जैसे कि कभी कभी हम लोग कीचड़ के रास्ते से बाइक को चलाना पड़ता है, कभी कभी रेत वाला ये भी रास्ते पे हम लोग को चलाना पड़ता है, कभी कभी जो डामर का रास्ता होता है तार का वहां से जाना पड़ता है, कभी कभी जो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता होता है वहां से भी जाना पड़ता है, कभी कभी अपनी बाइक मिट्टी के रोड से भी जाने लगती है। तो अलग अलग प्रकार का रोड होने की वजह से ब्रेकिंग सिस्टम भी हमें उस प्रकार से ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रेक के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फ्रंट व्हील का जो ब्रेक होता है, आगे का ब्रेक जो हमारे हाथ में होता है ना, जो हैंडल होता है बाइक का उसमें होता है, जो राइट बाजू में, जैसे कि आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला हैंड ब्रेक है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर होता है, सबसे ज्यादा पावर। और जो रियर ब्रेक होता है उसमें एज कम्पेयर टू राइट हैंड का ब्रेक उससे थोड़ा सा कम होता है, यानी पीछे की चाक का जो ब्रेक होता है वो थोड़ा कम होता है, हैंड ब्रेक का पावर ज्यादा होता है ना, ये हिसाब से होता है। तो हमें ज्यादा करके दोनों भी ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी कभी सिंगल ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा ब्रेक, जो मुझे कमेंट में पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि कौन सा ब्रेक कभी इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए मुझे खुशी हो रही है, याद में रखना है ये बात। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दो तीन बार रिपीट करके वीडियो को देखना, लेकिन अच्छी तरीके से सुनना देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कौन सा ब्रेक किस समय हम लोगों को इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अलग अलग प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ऊपर लिंक पे आ जाएगा, उसे टच करना, आप लोगों को उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपका रास्ता मिट्टी का है, यानी चिकनी मिट्टी का रास्ता है, तो इस समय क्या हो सकता है, जिसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टायर होता है, टायर में जो ग्रिप होता है, ये ग्रिप में मिट्टी जाने की वजह से ब्रेक नहीं बैठेगा, टायर फिसल जाएगा, बाइक फिसल जाएगी, पीछे का व्हील फिसल जाएगा, आप गिर सकते हैं, बड़े पैमाने में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, मिडल में अपना बैलेंस रखना है, हैंडल को सीधा रखना है, और पीछे का व्हील होता है उसको धीरे धीरे प्रेस करना है, ज्यादा तेज ना प्रेस करे। आगे का ब्रेक तो बिल्कुल नहीं मारना, जैसा रेत का रास्ता होगा, चिकनी मिट्टी वाला रास्ता होगा, है ना, कीचड़ वाला होगा, तो आगे का ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है। आगे का ब्रेक का अगर इस्तेमाल करते तो फिसल जाएगी बाइक, गिर सकते। पीछे के ब्रेक का इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। अगर स्पीड में बाइक है और पीछे के व्हील का भी इस्तेमाल करते फिर भी फिसल सकते, तो स्पीड अपना कम रखें, अंदाजा 15-20 का हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कितना स्पीड में बाइक को हैंडल कर सकते हैं चिकनी मिट्टी के रोड पर या रेत के मिट्टी पर, कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बैलेंसिंग के साथ साथ ब्रेकिंग करना पड़ेगा। लेकिन आगे का ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है, पीछे के व्हील का ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आगे के ब्रेक का इस्तेमाल आपको कभी करना है, बाय चांस आप लोग हाईवे पे हो या ज्यादा करें सिटी में वगैरह कहीं पे हो, लेकिन स्पीड में हो, तो हमें तुरंत रुकने के लिए आप लोगों को दोनों ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आगे के चाक का भी और पीछे के चाक का भी, दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाय चांस आप लोगों को और तुरंत रुकना है तो आपको इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंजन ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं, है ना, ऊपर जो भी आई बटन में आ जाता है उसे आप टच करें, आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको जानकारी मिल सकती है। तो अलग अलग प्रकार के जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में मैंने नॉलेज देने की, जानकारी देने की कोशिश की। सबसे ज्यादा पावर होता है आगे के व्हील का पावर होता है, इसके ज्यादा कस रहे ना, क्योंकि बाई चांस क्या होगा, आप ज्यादा अगर कसते हैं स्पीड में बाइक होगा, तो आगे का जो व्हील है वो
तिरछा होगी आपका बैलेंस जा सकता है। पीछे के व्हील का भी ब्रेक होता है, भले से उसमें कम पावर होता है लेकिन ज्यादा ना कसे। क्यों ना कसे? क्योंकि अगर आपकी बाइक स्पीड में है और आपने गियर अप किया, यानी गियर में बाइक है स्पीड में भी है, अगर आप कस के अगर ब्रेक मारते हो पीछे के व्हील का तो इंजन ब्रेक बैठेगा, यानी आपकी बाइक तुरंत खड़ी हो जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा, जीरो काम करेगा इंजन, यानी इंजन बंद हो जाएगा टोटली और आपका बैलेंस जाके आप 100% गारंटी के साथ आप गिरेंगे, है ना। इस समय तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे ब्रेकिंग कैसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुली जगह पर, जो मैदान है खाली जगह है वहाँ पे प्रैक्टिस करो बाइक का ब्रेकिंग है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम में अगर आप प्रैक्टिस करते और मास्टर बनते तो आपको पता चलेगा कौन सा ब्रेक कब इस्तेमाल करना है, ये प्रैक्टिकली डिपेंड है। इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली वीडियो अपलोड किया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगले संडे में वीडियो बनाने वाला है, आपको रात देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता क्योंकि वीडियो लंबा होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।